जय श्री राम। YouTube फैमिली, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लिए हैं बचे हुए चावल। बचे हुए क्या, आज हम लोग चावल तो बना लिए हैं लेकिन खाए नहीं है, तो ये बच गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का चावल, नॉर्मल जैसे कि हम घर में डेली बनाते हैं, बस वही चावल है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे बचे हुए चावल को कभी कभी लगता है इसका क्या बना दिया जाए कि ये खप सके। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने उबले हुए आलू लिया है। इस तरह से आलू इसमें डाल देंगे। अब कुछ ऐसी रेसिपी बना लेते हैं जो कि चावल भी वेस्ट नहीं जाएगा और रेसिपी भी बन जाएगी, आपके साथ शेयर करने को भी हो जाएगा, खाने को भी हो जाएगा। तो मतलब कोई चीज़ वेस्ट नहीं जानी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से इसको बढ़िया तरह से मैश कर लिया। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिए, चावल ज़्यादा मतलब इसे फ्रिज में रख दिए हैं तो वो चावल थोड़ा टाइट हो जाता है। फ्रिज में कभी भी चावल रखें तो उसको ढक करके रखें तो चावल टाइट नहीं होता है। बस इस तरह से हम इसको बढ़िया तरह से मैश कर लेते हैं। ये फ्रेंड बहुत बढ़िया से मैश हो गया, अब इसको रखते हैं साइड में। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ले लिया मिक्सर जार, तो यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे जो मिर्च है थोड़े से लाल हो गए हैं, ये हरे मिर्च थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ लाल लिया है, कुछ हरे ले लिया है। और यहाँ पे डालेंगे अदरक। इस तरह से देख सकते हो मैंने इतनी अदरक का प्रयोग किया है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो जितना आपको चाहिए। और यहाँ पे डालेंगे साबुत सूखी धनिया इस तरह से, और यहाँ पे थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं। इसको दरदरा से पीस लेते हैं, ज़्यादा एकदम बारीक नहीं करना है। चाहे तो आप सूखा मसाला का प्रयोग कर सकते हो, लाल मिर्च पाउडर का प्रयोग कर सकते हो, जो आपको पसंद हो आप कर सकते हो। तो चलिए इसको बढ़िया तरह से पीस लेते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, हमने बढ़िया तरह से पीस लिया है, अब यहाँ पे इस तरह से मसालों को डाल देंगे। आज हम ये रेसिपी थोड़ी स्पाइसी बनाएंगे क्योंकि मेरा थोड़ा सा तीखा खाने का मन है, तो इस तरह से थोड़ा सा तीखा ही बनाएंगे। बस इस तरह से थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं, चाहे तो आप हल्दी को स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी हींग, खासकर मैं हर रेसिपी में हींग को मतलब पसंद करती हूँ और डालती भी हूँ, तो चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे हींग का फ्लेवर अच्छा लगता है, पचने में भी मदद कर देता है, क्योंकि चावल ही है तो थोड़ा सी हींग डालेंगे थोड़ा फ्लेवर भी आ जाएगा और डाइजेशन भी सही रखती है। तो इस तरह से हींग भी डाल दिए हैं, बस सारी चीज़ों को बढ़िया तरह से मिला लेना है। यहाँ पे डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, जैसे कि इसमें आप चाट मसाला चूरन भी डाल सकते हो, जितना आपको पसंद हो। हरी धनिया का प्रयोग कर सकते हो, थोड़े से प्याज वगैरह भी डाल सकते हो। थोड़ा सा फ्रेंड्स नमक कम लग रहा है, तो इस तरह से थोड़ा सा नमक और डाल देते हैं, क्योंकि मैंने चखा है थोड़ा सा नमक कम है। सारी चीजों को बढ़िया तरह से मिलाएंगे और यहाँ पे डालेंगे धनिया का पाउडर, चाहे तो पुदीना का पाउडर का प्रयोग कर सकते हो। मेरे पास हरी धनिया नहीं थी तो मैंने इस तरह से पाउडर डाल दिया है। सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत बढ़िया से फिलिंग रेडी हो चुकी है। फिलिंग का फ्रेंड इसी से नाश्ता हम बनाएंगे, ये फिलिंग नहीं है। जैसे कि फ्रेंड्स और ये डो जो हमने लगाया है, जैसे कि अगर ये थोड़ा सा गीला हो रहा है तो करना क्या है, इसमें सूजी या तो फिर चावल का आटा का प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा एकदम परफेक्ट बना हुआ है। इस तरह से हाथ में थोड़ा सा तेल लगाना है, अब बस इसकी जो है इस तरह से बॉल ले लेना है, बढ़िया बॉल इसकी बना लेनी है। तो यहाँ पे मेरे पास चीज रखी थी, बच्चों की फेवरेट है, तो यहाँ पे इस तरह से डालेंगे, इसको बंद कर देंगे। मेरे पास रखी थी, मैंने यूज कर लिया है, अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हो। ये देखिए बस इस तरह की बॉल बना लेनी, चाहे तो लंबाई में भी बना सकते हो, गोलाई में बना सकते हो, जो आपको पसंद हो आप बना सकते हो। तो चलिए और बना के फिर रख लेते हैं। जी फ्रेंड, हमने बढ़िया तरह से बना लिया है, कुछ इस तरह के बने हुए, तो चलिए इसको आगे भी प्रोसेस करते हैं। हमने एक कढ़ाई में पानी रख दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से छेद वाली थाली को ग्रीस करके रख दिए हैं। बस इस तरह से बॉल्स लेना है, इस तरह से इसमें रखते जाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट लगेगा, फट से पक जाएंगे। थोड़े थोड़े फासले पर रखना है, ज़्यादा दूर नहीं रखना, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये देखिए अब बस इसको एक प्लेट से ढक देते हैं। लीजिए फ्रेंड, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है,
3 से 4 मिनट लगा, ज्यादा टाइम नहीं लगे क्योंकि बहुत जल्दी ये पक जाते हैं। तो अभी इनको छूना नहीं है, बस इसी तरह से इनको रखे रहने देना ताकि ये देख सकते हैं ये सॉफ्ट हैं। तो अभी इसको छू लेंगे तो फूट जाएंगे। तो करना क्या है, इसको बस इस तरह से रख देना है ठंडा होने के लिए। जब तक हमारे बॉल्स जो है ठंडे हो रहे हैं तो यहाँ पे तड़का बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है जीरा और यहाँ पे डालेंगे प्याज। चाहे तो आप इस तड़के को केवल जीरा और जो है तिल उल से बना सकते हो, ज़्यादा मतलब चटपटा बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने जो है बॉल्स में काफ़ी चटपटा बनाया है, उसमें काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये थोड़ा सा तड़का बना लेते हैं, थोड़ा से बच्चों को पसंद है, तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा इसको मतलब तल देते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा खाने में। अगर आप चाहो तो सिंपल बॉल्स जो है चटनी के साथ खा सकते हो। अगर आप ज़्यादा ऑयली नहीं पसंद करते हो, डाइट पे हो, तो मतलब वैसे भी खा सकते हो। तो इस सब प्रोसेस को करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये रेसिपी मेरी आपको अच्छी लगे, फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बचे हुए चावल की रेसिपी अक्सर करके चावल बच जाता है, हम बाहर डाल देते हैं तो जानवर कभी कभी नहीं खाते, पड़ा ही रह जाता है। तो अगर इस तरह से आप रेसिपी बना लोगे तो आपका जो है चावल जो है वेस्ट नहीं जाएगा, खाने को भी हो जाएगा, बच्चे खुश हो जाते हैं जब अलग अलग तरीके के नाश्ता पा जाते हैं। इसी स्टेज पर चाहे तो आप टमाटर कट करके डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने लिया है तिल और यहाँ पे थोड़ा सा नारियल का बुरादा लिया है। अगर आपके पास कच्चा नारियल है तो उसको भी प्रयोग कर सकते हो, बहुत टेस्ट आता है उससे। इसे कद्दूकस करके डाल दीजिए। तो बस एक मतलब 30 सेकेंड तक इसको हमको भून लेना है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं भूनना है। उसके बाद में यहाँ पे डाल देते हैं मैगी मसाला, जो कि बच्चों का फेवरेट है, ये भी खासकर मेरा भी फेवरेट है। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अगर हो तो ज़रूर डालिए। इस स्टेज पर चाट मसाला भी डाल सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने करी पत्ता डालना भूल गए थे, हालांकि बगल में ही रखा था लेकिन करी पत्ता भूल गए। तो करना क्या है, इसको साइड में कर लेना, 1 चम्मच तेल इस तरह से आधा चम्मच डाल देना है और यहाँ पे करी पत्तों के लेना, इस तरह से चटका लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, बन जाता है। जब हम बनाते हैं कोई चीज़ तो थोड़ा से मतलब नॉलेज बढ़ी जाता है कि हमको कैसे क्या करना है, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए हो रहा है ना बढ़िया से। गैस का फ्लेम धीमा रखना है, सारी चीज़ों को इस तरह से मिला देना है। ये देखिए एकदम परफेक्ट मसाला हमारा बन के रेडी हो चुका है। इस स्टेज पर चाहे तो सॉसेस का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे टमाटो सॉस है, चिल्ली सॉस है, जो आपको पसंद हो आप कर सकते हो। बस इस तरह से बॉल्स को लेना है, इसमें इस तरह से डाल देना, देख सकते हो ठंडे होने के बाद में ये अपना शेप ले लिया है, एकदम सेट हो गए हैं। सारी चीजों को हल्के हाथ से इस तरह से मिला देना है, ये देखिए। हमने बढ़िया तरह से मिला दिया, यहाँ पे थोड़ा से ओरिगैनो इस तरह से छिड़क देते हैं, अगर नहीं है तो इसके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस स्टेज पर गैस का फ्लेम बंद कर देना, यहाँ पे इस तरह से नींबू का रस ले लेना है और इस तरह से डाल देना है, बढ़िया तरह से मिला देना है। लास्ट में डालिए गए चीज का ध्यान रखिए, धनिया की पत्ती हो तो इस तरह से आप डाल सकते हो इस स्टेज पर। ये देखिए हमारा बहुत बढ़िया से नाश्ता रेडी हो चुका है। तो चलिए इसको बाहर निकाल के रख लेते हैं। हमने एक बाउल ले लिया, बस इस तरह से इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। फ्रेंड्स इसमें करी पत्ता का तड़का लगाना ऑप्शनल है, जरूर डालिएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स बचे हुए चावल का इतना टेस्टी से नाश्ता बनके रेडी हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नोटिस कीजिए इतना टेस्टी ये होगा, क्योंकि देखने से आपको पता चल रहा होगा कि बहुत टेस्टी है। और नॉर्मल से बचे हुए चावल से हमने बनाया है, जो कि हमारा खाने का मन नहीं था, बच्चों को भी नहीं मन था, तो हमने बढ़िया इस तरह से बना भी दिया है। और इसको कौन नहीं खाना चाहेगा, सभी को पसंद आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि बच्चों को आप इसको टिफिन में लंच के लिए भी दे सकते हो, स्कूल के लिए काफी बढ़िया और हेल्दी भी है। तो यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं तोड़ के भी, ये देखिए चीज भी बहुत बढ़िया से हमारी मेल्ट हो गई है। तो काफी बढ़िया इस तरह का नाश्ता बन जाता है घर में बिल्कुल आसान तरीके से, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी मुझे जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इसको हमने बचे हुए चावल से बनाया है।
अगर ये रेसिपी मेरी आपको अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।